उसको दोस्ती रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर उसको ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको उसके अंदर ईगो है, तो फिर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। आखिर मनीषा रानी ने एल्विश यादव को अनफॉलो क्यों किया? मनीषा ने बताया कि अगर एल्विश की ईगो है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हैशटैग एल्विशा हो चुका है ऑफिशियली बंद। जी हाँ, मनीषा ने कहा कि अब हमारी दोस्ती उस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से आपको बिग बॉस में। क्या है पूरी खबर, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज़ पे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस OTT सीजन 2 जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट शो रहा था, इस शो की तीन तिगड़म यानी कि अभिषेक, मनीषा और एल्विश अभी भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। इनकी दोस्ती के मिसालें दी जाती है। लेकिन हाल ही फिलहाल में मनीषा और एल्विश ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बज हो गया कि आखिर क्या है असली रीज़न। क्या मनीषा ने एल्विश को इसलिए अनफॉलो किया क्योंकि एल्विश पे काफ़ी सारे केस लगे हुए थे? लेकिन जब अभी कुछ दिन पहले एल्विश ने इंटरव्यू दिया और उसमें मनीषा की इस हरकत को एक बचकानी हरकत बोल दिया, जिसके बाद मनीषा ने डिसाइड किया कि वो इस मैटर पे सारा सच बताएंगी। तो दरअसल मनीषा और एल्विश यादव ने कोलैब किया था झलक दिखला जा के विनिंग के बाद, जिस कोलैब की प्रोफाइल फ़ोटो एल्विश और अक्षय कुमार की थी। हालांकि मनीषा की टीम ने एल्विश की टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की और कटारिया से बात की कि प्लीज़ कवर फ़ोटो को चेंज किया जाए, लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बावजूद कवर फ़ोटो नहीं चेंज हुई। और जब डायरेक्ट एल्विश और मनीषा की बात हुई तो एल्विश ने सीधा सीधा इनकार करते हुए कहा कि अब तो कवर फ़ोटो नहीं चेंज होगी, मनीषा से बोलिएगा कि अगली कभी कोलैब में वो अपनी फैमिली की फ़ोटो लगा लें। इसके बावजूद मनीषा ने काफ़ी दिन तक वेट किया, लेकिन जब वो फ़ोटो नहीं बदली उसके बाद मनीषा ने एल्विश को अनफॉलो किया, ये रीज़न कहते हुए कि एक इंसान जिससे उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी बिग बॉस के घर में, वो अपने प्रोफाइल पे मनीषा के साथ फ़ोटो नहीं शेयर कर सकता। जिसके बाद एल्विश ने भी मनीषा को अनफॉलो कर दिया। इसी बात पे मनीषा ने एक बात ये भी बोली कि अभी कुछ महीने पहले ही एल्विश ने सिर्फ और सिर्फ बस क्रिएट करने के लिए अनफॉलो किया, ताकि थोड़ी हंसी मजाक हो और बस क्रिएट हो। लेकिन इसके बावजूद मनीषा ने सामने से कॉल करके मैटर सॉर्ट आउट किया, और इस बार एल्विश, जो कि मनीषा को इतनी अच्छी दोस्त मानता था, एक बार भी कॉल करके मैटर सॉर्ट आउट करने की या फिर असली रीज़न जानने की कोशिश नहीं किया। इन सभी के बाद मनीषा ने ये भी कहा है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी एक टाइम कुछ ना कुछ बॉन्डिंग थी, और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो, तो उसके वजह से मैं उसके बारे में नेगेटिव बोलूं। जब एल्विश पे काफ़ी सारे केस हुए थे, तब भी मैं यही सोच रही थी कि जो सच हो वो सामने आए, और मैं कभी भी किसी को किसी और रीज़न के वजह से अनफॉलो नहीं करती। तो आपका क्या कहना है एल्विश और मनीषा के इस कॉन्ट्रोवर्सी पे? क्या आपको लगता है कि मनीषा ने सही किया एल्विश को अनफॉलो करके? कमेंट्स में बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।